शादीशुदा। तो मुझे कौन सा निगाह पड़ना था आपसे? मत है मेरी दुनिया में खत्म रखने की। मेरे पास खोने को कुछ है ही नहीं। हेलो एंड वेलकम टू सीएस ट्रेंडिंग विद मी नेहा। वरुण धवन बॉलीवुड के ऐसे एक्टर हैं जिनकी हर नई फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। हालांकि फिल्म कलंक ने जरूर दर्शकों को थोड़ा निराश किया। अब 24 अप्रैल को है वरुण धवन का हैप्पी बर्थडे, जिसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। जी हां, वरुण अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ पहुंच गए हैं थाईलैंड, जहां मनाने वाले हैं वो अपना बर्थडे। खबर ये भी है कि उनके इस पार्टी में वरुण की गर्लफ्रेंड नताशा दलाल भी उनके साथ रहेंगी। हाल ही में वरुण ने कलंक के प्रमोशन के बाद अपनी अपकमिंग फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D की शूटिंग भी शुरू कर दी थी, जिससे थोड़ा ब्रेक लेकर वो बर्थडे को एंजॉय करने गए हैं। डेविड धवन के बेटे वरुण ने एक एक्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत साल 2012 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से की थी। इससे पहले वरुण ने करण जौहर की फिल्म माय नेम इज खान में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम भी किया। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में वरुण को काफी पसंद किया गया। फिर साल 2014 में वरुण की दो फिल्में आईं, मैं तेरा हीरो और हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। इन दोनों ही फिल्मों को खूब सराहा गया। मैं तेरा हीरो में वरुण ने गोविंदा की याद दिलाई, तो हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में उनके रोमांटिक अंदाज को खूब पसंद किया गया। फिल्म बदलापुर से वरुण ने दर्शकों के साथ साथ क्रिटिक्स का भी दिल जीत लिया। उसके बाद वरुण ने ABCD2, दिलवाले, धिशुम, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, जुड़वा 2, अक्टूबर, सुई धागा जैसी फिल्मों में काम किया है। अब तक वरुण ने 12 फिल्मों में काम कर लिया है, जिसमें से लगभग सभी हिट साबित हुई हैं। इसीलिए वरुण की फिल्मों को गारंटीड हिट माना जाता है। वरुण ने अपने नाम कई अवार्ड्स भी किए हैं। 2018 और 2019 में वरुण ने लगातार बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी अपने नाम किया। वहीं फोर्ब्स इंडिया ने वरुण को हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी में भी जगह दी है। बहरहाल अपनी छुट्टियों से लौटने के बाद अब वरुण रेमो डिसूजा की फिल्म स्ट्रीट डांसर की शूटिंग कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद कुली नंबर 1 की शूटिंग शुरू करेंगे, जिसमें उनके साथ सारा अली खान नजर आएंगी। इस फिल्म को डेविड धवन डायरेक्ट कर रहे हैं और ये कुली नंबर 1 का रीमेक होगी। इसके साथ ही वरुण के पास शशांक खेतान की फिल्म रणभूमि का प्रोजेक्ट भी है, जिसमें उनके साथ जानवी कपूर नजर आएंगी। यानी कि आने वाले वक्त में वरुण रहने वाले हैं सुपर बिजी, तो होने वाला है उनका ये बर्थडे ऑब्वियसली हैप्पी। सीएस ट्रेंडिंग की तरफ से भी वरुण को अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और सीएस ट्रेंडिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।